दसवीं की पढ़ाई पर घर वालों का ज़्यादा जोर रहता है, एक प्रेशर बना रहता है कि दसवीं में बेहतर मार्क्स होने चाहिए। कुछ लोग ये मानकर भी चलते हैं कि अगर दसवीं या बारहवीं में अच्छे नंबर नहीं आए तो करियर चौपट या उस शख्स को कुछ नहीं आता, ऐसा कहा जाता है। इन दिनों अलग अलग बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे आ रहे हैं, ऐसे में जिन लोगों को उनकी अपेक्षा के अनुरूप नतीजे नहीं मिले वो लोग निराश ना हों और ये वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप भी आईएएस बन सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि कैसे, हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिनकी दसवीं की मार्कशीट देखकर आप भी शायद ये कहें कि ये इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन वो शख्स आज एक आईएएस के ओहदे पर है। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। इंटरनेट पर एक आईएएस अधिकारी का ट्वीट इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। आईएएस अधिकारी अवनीश शरण ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि भरूच कलेक्टर तुषार सुमेरा ने अपनी दसवीं की मार्कशीट शेयर करते हुए लिखा है कि उन्हें दसवीं में सिर्फ पासिंग मार्क्स आए थे, उनके अंग्रेजी में 100 में से 35 नंबर थे, गणित में 36 नंबर थे और विज्ञान में सिर्फ 38 नंबर थे। न सिर्फ पूरे गाँव बल्कि उस स्कूल में ये तक कहा गया कि वो कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन समय देखिए कि तुषार आईएएस बन गए। दसवीं के अंक से यह बिल्कुल तय नहीं किया जा सकता कि आप भविष्य में सफल होंगे या असफल। आईएएस अधिकारी अवनीश शरण के इस ट्वीट पर भरूच कलेक्टर तुषार सुमेरा ने भी जवाब देते रिट्वीट लिखा हुआ है, धन्यवाद सर। तुषार डी सुमेरा मौजूदा वक्त में भरूच जिले में कलेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। साल 2012 में यूपीएससी परीक्षा पास करके वो आईएएस बने थे। तुषार अपने काम के लिए भी जाने जाते हैं। भरूच में उत्कर्ष पहल अभियान के तहत किए गए कामों की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी। आज तुषार कई लोगों के लिए प्रेरणा का काम कर रहे हैं। इससे पहले आईएएस नितिन सांगवान ने भी अपनी 12वीं की मार्कशीट ट्वीट करके बताया था कि केमिस्ट्री में उन्हें सिर्फ 24 मार्क्स मिले थे, ये अंक पासिंग मार्क्स से सिर्फ एक अंक ज़्यादा था, लेकिन इन मार्क्स से यह तय नहीं हुआ कि मुझे अपने जीवन से क्या चाहिए। बच्चों पर मार्क्स का प्रेशर मत बनाइए, जिंदगी बोर्ड एग्जाम से कहीं ज़्यादा है। रिजल्ट को आत्मनिरीक्षण का मौका समझें, न कि क्रिटिसिज्म का। यह कहना था आईएएस नितिन सांगवान का। तो कुल मिलाकर आप ये सीख लीजिए कि अगर दसवीं या बारहवीं में नंबर कम आए हैं तो निराश मत होइए, आगे बढ़िए, रास्ते मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। न्यूज़ रूम पोस्ट पर ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नमस्कार।